नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और जम्मू ही क्यों, श्रीनगर में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक नया, मैं ये कहूंगा बदलाव आने वाला है, एक नया विकल्प आने वाला है लोगों के लिए। और ये विकल्प होगा मेट्रो लाइट का, यानी कि लाइट मेट्रो रेल ट्रांजिट सिस्टम जो है वो जम्मू और श्रीनगर शहर के लिए इंट्रोड्यूस हो चुका है और मार्च 2025 में इसकी शुरुआत भी हो सकती है। यानी कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत हो सकती है। और आपको मैं बता दूं कि ये आज इस बारे में जानकारी दी गई है कि जम्मू में बंतलाब से बड़ी ब्राह्मणा रेलवे स्टेशन तक ये 23 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा और इसमें 22 स्टेशन पड़ेंगे। यानी कि ये जो लाइट एलिवेटेड मेट्रो होगी, जो कि सामान्य से थोड़ी हाइट पर होगी, इसमें 23 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा जो कि यहाँ बंतलाब टू बड़ी ब्राह्मणा तक होगा और कुल 22 स्टेशन इसमें पड़ेंगे। श्रीनगर की बात करें तो इंदिरा नगर टू एचएमटी जंक्शन 12.5 किलोमीटर, 12 स्टेशन, और उसके अलावा एक और हजूरी बाग टू एक और स्टेशन है, वहां पर भी 12.5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है और 12 स्टेशन पड़ेंगे। तो जम्मू और श्रीनगर ये दोनों शहर है जहां पर ये लाइट एलिवेटेड मेट्रो जो है इसकी शुरुआत हो सकती है और स्केड्यूल्ड जो शुरुआत है वो मार्च 2025 इसकी तारीख लिखी गई है। और ये एलिवेटेड मेट्रो लाइट विल बी रियलिटी सून फॉर द ट्विन सिटीज ऑफ श्रीनगर फॉर 25 किलोमीटर, इसमें करीब 44,000 करोड़ का खर्चा है, 4,352 करोड़ का, और जम्मू में 23 किलोमीटर का है, 3,590 करोड़ का जो खर्चा है वो इसमें आएगा। और बेस्ट इन क्लास जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मोबिलिटी है, वो लोगों को मिलेगी जो कि सेफ होगी, रिलायबल होगी और सस्टेनेबल होगी। तो कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आज के दौर में जो यातायात है वो जम्मू हो, श्रीनगर हो, वहां पर लोगों को फिलहाल जो पुराने यानी कि मिनी बसेस है या अपना कोई किसी के पास गाड़ी है तो उसके जरिए ही वो ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल करता है। लेकिन ये जो लाइट एलिवेटेड मेट्रो है जो कि मेट्रो लाइट के नाम से होगा, ये 2025 तक बताया जा रहा है कि ये इसकी शुरुआत हो सकती है। हालांकि ये प्रोजेक्ट कब इसकी शुरुआत होगी, कब ये पूरा होगा और उसके बाद इस प्रकार से ये लाइट मेट्रो जम्मू और श्रीनगर दोनों शहरों में चलेगी, इसके लिए फिलहाल एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है। तो उस्मानाबाद टू हजूरीबाग 12.5 किलोमीटर, 12 स्टेशन, इंदिरा नगर टू एचएमटी जंक्शन 12.5 किलोमीटर, 12 स्टेशन, ये रहेगा श्रीनगर में। और जम्मू का जो कॉरिडोर्स है वो बंतलाब टू बड़ी ब्राह्मणा रेलवे स्टेशन ये रहेगा और ये कॉरिडोर 23 किलोमीटर का होगा और इसमें 22 स्टेशन होंगे। और स्केड्यूल कमिटमेंट जो है इस की वो लिखी है मार्च 2025 में। और एक एडिशनल जानकारी है कि 66 एंड 64 जंक्शन अंडर ITMS कंप्लीटेड इन जम्मू एंड श्रीनगर सिटी, यानी कि जम्मू में 66 और श्रीनगर में 64 जंक्शन जो है अंडर ITMS वो कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि इस मुताबिक मार्च 2025 तक ये एलिवेटेड मेट्रो लाइट शहर में दौड़नी चाहिए, कहीं ना कहीं एक अच्छी खुशखबरी है। और द DPR ऑफ द प्रोजेक्ट हैज बीन फाइनलाइज्ड एंड सबमिटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो इस प्रोजेक्ट का जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो भी बन चुकी है, कुल 7,942 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और दोनों परियोजनाओं की मैंने आपको संक्षेप में जानकारी दी है। तो जम्मू में ये जो एलिवेटेड लाइट मेट्रो लाइट जो दौड़ेगी ये 23 किलोमीटर पर दौड़ेगी और 22 स्टेशन होंगे, यानी कि पूरा बंतलाब से बड़ी ब्राह्मणा रेलवे स्टेशन तक ये पूरा स्ट्रेच इसका होगा। और श्रीनगर में मैंने आपको बता दिया कि दो अलग अलग स्ट्रेच है, 12.5 किलोमीटर के और 24 स्टेशन होंगे। तो उम्मीद करेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक नया बदलाव आएगा, लोगों को सहूलियत मिलेगी। दिल्ली की बात करें तो वहां पर मेट्रो पर सबसे ज्यादा लोग होते हैं जो कि अपना सफर तय करते हैं। जम्मू की बात करें तो सड़कें जो है वो उतनी ज्यादा चौड़ी नहीं हुई है लेकिन लोड बड़ा है, गाड़ियां बड़ी हैं और इसी वजह से ट्रैफिक जैम सबसे ज्यादा रहता है। तो अगर ये जो लाइट मेट्रो का प्रोजेक्ट अब बताया जा रहा है और मार्च 25 में इसकी कमिटमेंट बताई जा रही है, अगर ऐसा होता है तो ये एलिवेटेड
मेट्रो लाइट एक क्रांति लेकर आ सकती है, शहर को एक नई रफ्तार मिल सकती है। जो लोग नौकरी पेशे वाले हैं उनका समय बचेगा और कहीं ना कहीं बड़ी बदलाव जो है वो इसके आने से होगा। तो उम्मीद यही है कि अब ये जो प्रोजेक्ट बताया जा रहा है ये जल्द पूरा हो। इससे पहले भी आप जानते हैं कि मेट्रो की बातें हुई, सर्वे हुए, स्टेशन तक सिलेक्ट हुए, लेकिन वो काम आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अब ये जो एलिवेटेड मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट है इसके बारे में ये बता दिया गया है कि मार्च 2025 तक शुरुआत हो सकती है। डीपीआर इसकी बन चुकी है, स्टेशन फाइनल है। अब ऐसा लगता है कि जल्द आपके शहर में भी ये मेट्रो दौड़ती हुई दिखेगी। नमस्कार।